Hello you beautiful people, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ and welcome back to another episode of Tech News with Price Baba. आज की टेक न्यूज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं of course Redmi K40 सीरीज के साथ जो कल हो गई है चाइना में लॉन्च. तीन वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं Redmi K40, K40 Pro and K40 Pro Plus. स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो Redmi K40 में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट, साथ साथ 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5 होल कटआउट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्क्वायर शेप में इसका कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. बात करें अगर Redmi K40 Pro and Pro Plus के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर दिए गए हैं Qualcomm Snapdragon 888 के चिपसेट, साथ साथ 5G सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा. बात करेंगे अगर कैमरा की तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आर अमंगस्ट द स्पेसिफिकेशंस. Now let's talk about the price because price is what matters. So Redmi K40 का जो base variant है वो start होगा 22,400 के price पर, Redmi K40 Pro का base variant start होगा 31,500 के price पर और Redmi K40 Pro Plus का price start होगा base variant का 41,600 के price पर. ये मैंने आपको Indian rupees में convert करके price बताए हैं. So let's wait and watch ये India में कब आने वाली है. Now the next news is about the Mi Mix Alpha 2, successor of the Mi Mix Alpha, जो हो सकता है 2021 में लॉन्च, because its design patent has been spotted at the CNIPA, which is the China National Intellectual Property Administration. तो अगर बात करें डिजाइन पेटेंट की तो उसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा, एक रैप अराउंड डिस्प्ले जैसे कि हमें Mi Mix Alpha में देखने को मिली थी, फॉर बिगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड नो बेजल्स एट ऑल. कहीं कहीं पर डिजाइन पेटेंट में ये भी दिख रहा है कि एप्पल जैसा वाइड नॉच भी देखने को मिल सकता है. एक्चुअली क्या देखने को मिलेगा वो कहीं भी कंफर्म नहीं है, बट शायद इनमें से कोई एक डिजाइन फाइनल हो जाए, 2021 में हमें Mi Mix Alpha 2 का लॉन्च देखने को मिल जाए. कल Redmi K40 सीरीज के साथ ही लॉन्च देखने को मिला Redmi Book Pro का भी. द न्यू नोटबुक्स बाय द कंपनी कम्स इन 14 एंड 15 इंच साइज वेरियंट्स. बात करिए स्पेसिफिकेशंस की तो 11th जेन इंटेल टाइगर लेक सीपीयूज कैन बी सीन, साथ साथ 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एचडी वेब कैम जैसे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे. सो ये लॉन्च भी देखने को मिला अलोंग साइड द रेडमी K40 सीरीज. Redmi Note 10 सीरीज का भी मैंने जैसे कल बताया था कि जब तक ये सीरीज लॉन्च नहीं होगी हमें डेली कुछ ना कुछ खबरें मिलेंगी जरूर. तो मार्च 4th को एक्चुअली ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली टीज कर दिया इसका रिटेल बॉक्स का एक पिक्चर जिस पर काफी सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं. तो पंच होल कटआउट इज कंफर्म्ड, अ बिग कैमरा मॉड्यूल इज कंफर्म, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर इन द Redmi Note 10 इज कंफर्म्ड. Redmi Note 10 सीरीज में तीन वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, Redmi Note 10, Note 10 Pro एंड Note 10 Pro Max. तीनों में 5G कनेक्टिविटी भी देखने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. वेल लेट्स वेट एंड वॉच कि एक्चुअली क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, बट तब तक मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ अब कि 108 मेगापिक्सल प्राइम सेंसर Redmi Note 10 में जरूर देखने को मिलेगा. ट्विटर काफी फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और अब ट्विटर ने दो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. फर्स्ट इज द सुपर फॉलोअर्स, जहां पर अ यूजर कैन चार्ज देयर फॉलोअर्स फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट. दूसरा फीचर है कम्युनिटी का, तो वहां पर आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू हैव स्पेसिफिक इंटरेस्ट. वेल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वैसे हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली यूज ट्विटर. टॉकिंग अबाउट 5G स्मार्टफोन्स, तो कंपनीज आजकल ऑलमोस्ट हर डिवाइस में 5G सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर रेडी हो. बाय द वे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स भी काफी चर्चा में आ रहे हैं. ओप्पो A54 5G टीज किया गया है जापान में, विच इज एन अफोर्डेबल 5G डिवाइस बाय द ब्रांड. तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ साथ Qualcomm Snapdragon 480 का चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी जैसे स्पेसिफिकेशंस, 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज. लेकिन ये जापान में टीज किया गया है, होपफुली ये अफोर्डेबल 5G डिवाइस बाय ओप्पो कम्स इन इंडिया टू. कल ही मैंने आपको Realme 8 सीरीज को लेकर खबर दी थी कि कैसे हमें इसका पॉसिबल लॉन्च देखने को मिल सकता है मार्च में, साथ साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर भी देखने को मिल सकता है. Now the company has scheduled a camera-centric event जहां पर they're gonna unveil their 108 megapixel camera and its features. साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऐसे camera-centric event Realme ने 2019 में भी किया था, जहां पर they introduced the 64 megapixel primary sensor और उसके बाद ही कंपनी के काफी सारे फोन्स में देखने को मिला था. So let's wait and watch March 2nd को इस camera-centric event में हमें क्या-क्या पता चलने वाला है. एक और स्मार्टफोन जो जब तक फाइनली लॉन्च नहीं होगा इसकी हमें खबरें मिलने वाली है, वो है Realme GT 5G, जो पहले Realme Race के नाम से जाना जा रहा था.
तो रियलमी जी टी 5G को लेकर कल ही मैंने आपको बताया कि कैसे इसका एक्सपेक्टेड प्राइस कैन बी 34,000 विच इज लेस देन द रियलमी X50 प्रो प्राइस. Now the next news is about its display. कि 120Hz का screen refresh rate देखने को मिल सकता है AMOLED display. साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकता है in display fingerprint sensor. Also पहले कहा जाता है कि Qualcomm Snapdragon 888 का chipset भी देखने को मिल सकता है. मार्च 4th को चाइना में होने वाला ये लॉन्च. एक्चुअली क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे वो उस दिन पता चल जाएगा. So let's wait and watch. So guys, this was all about tech news for today. कैसे लगी आपको आज की tech news? मुझे comment करके जरूर बताइएगा. और अगर ये आपको पसंद आई देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट्स अ वेरी सिंपल ड्रिल एंड यू नो इट. टिल देन दिस इज वंदिता वश्यु सेइंग गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड.